अभी सुबह के बज रहे हैं कितने, भूल गई, 6 बजे उठे थे तो अभी हो रहे हैं 6:15 ही हो रहे होंगे। और मैं बना रही हूँ भिंडी, गला भी बैठ गया मेरा, मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो ये 2-2 चम्मच कैसे आ गए, तो आज सुबह रागवी ले जाएगी भिंडी और प्याज, भिंडी की सब्जी मतलब। हाँ बाबू, क्या हुआ? तो ये मैंने मसाले डाल दिए हैं इसमें और इसका लंच तैयार करूंगी सुबह के, हो गए हैं 6:15, 7 बजे आती है बस वैसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और सुबह की जो कसरत है, क्या बोलते हैं, रसोई की, वो तो आपने देख ली कि हमने भिंडी और रोटी बनाई और 2 बार तो मैं पराठे भी ठूस चुकी हूँ। और करनी ही होती है, बस पतला होने की ख्वाहिश ही है, एक पर हुआ नहीं जाता। आइसक्रीम अगर ये छोटी ने देख लिया ना वीडियो, इसकी चटनी बना देगी वो। पर ये छोटे बहुत पुराना वीडियो, इससे पहले आप आइसक्रीम खा चुके हो, तो मैं उन्हें उल्लू बना रही हूँ, वो समझ जाएंगी। नहीं, ये नया वीडियो। तो बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि जो ईशा है वो वीडियो देख लेती है और उसे कोई चीज ना मिली हो तो वो रोना स्टार्ट कर देती है। और अभी हो रही है दोपहर और इतनी धूप में से मैं इसको आज लेके आई हूँ। इसको भी चेताया मैं, इसकी बात। अच्छा, मुझको आइसक्रीम खानी है, मुझको आइसक्रीम खानी है, मुझे पूरी चाहिए आइसक्रीम, पूरी की बात कर रहा हूँ, आइसक्रीम मुझे आइसक्रीम दो, मुझे आइसक्रीम दो। नहीं, चुप, एक मिनट चुप तो सही। नहीं, तुम खा लो, कैसे मांग रहा है उससे, चटोरे, चटोरा बनेगा, चटोरा बनेगा, चटोरा, गला तो सही है नहीं इस चटोरे का, आइसक्रीम खानी है ही। मेरे बाबू को क्या बताओ, वो चोने को, मेरे लड्डू को, नहीं मेरा रसगुल्ला है, ये लड्डू नहीं है, रसगुल्ला है। तो मैंने ले लिए फालसे, एक फालसे वाला जा रहा था, कई साल बाद खाने को मिले, तो ये साल में 6 महीने में कभी दिख जाता है तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे नाना बहुत लेके खा लेते थे इन्हें। फालसे खट्टे हैं, ये हो, बहुत ही भयंकर खट्टे हैं। तो अब हो गई है शाम और ये सोचते सोचते फिर सेम मेन क्वेश्चन कि क्या बनेगा, तो मैंने सोचा कि राइस को ही कुछ चेंज कर दिया जाए, क्योंकि एकादशी की वजह से राइस कल खाए नहीं थे, सुबह भिंडी की सब्जी बन गई। तो मैंने अभी अपने ये जो चावल हैं इन्हें मैंने भिगो लिया है और आधा घंटा हो गया इनको भीगे हुए, तो मैं बनाऊंगी वेज फ्राइड राइस चावल के, और देखते हैं कैसे बनाती हूँ। पहले इनको मैं पानी में बॉईल कर लेती हूँ। तो अब मेरे चावल जो हैं वो उबलने लगे हैं, अब इसको मैं इसमें छान लूंगी बर्तन में और थोड़े खिलमा से हो जाएंगे तब बनाऊंगी फ्राइड राइस। अरे वाह, शिरडी जाने के लिए कपड़े आ गए हैं, अरे चुन्नू का तो बहुत सुंदर है, अरे देखो कितना खुश हो रहा है, डोलू 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 देव के, इसके मांगे के सारों के आ गए आज। और आपको कैसे बच्चों के कपड़े आ रहे हैं शिरडी जाने के लिए, खुश हो गए। इसे देखो, इसे पहन के दिखा, इसे पहन पहन चाची, इसे तो देखो मुझे बहुत प्यार है, चुन्ना कपड़े उतार, गुड्डा पहन के दिखा, तेरा। तो चावल हमने बना लिए जो कि बिल्कुल बकवास बने एकदम, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं टेस्ट लेस, कच्चे कच्चे से, तो चलो जैसे तैसे तो आज पेट भर लिया हमने।
और अब कल का सोचेंगे कि कल क्या करना है। तो ये बच्चे अभी तक जगे हुए हैं, खेल रहे हैं, इनको नींद नहीं आती और हो रहे हैं 11:15। और हमारा इस मौसम का एसी ऑन हो चुका है पहला, और राघव का भी पहली गर्मी है एसी में। आदत तो गंदी है एसी की, क्योंकि एसी की आदत अगर जिसको पड़ जाए तो उसे वैसे नहीं सोया जाता है ना। प्राची जी से पूछ रही हूँ मैं कि बहुत मुश्किल पड़ती है बिना एसी के सोना। और ऐसे ही होता था जब मैं ऑफिस में जाती थी, मेरे घर में तो एसी था नहीं, जब कूलर ही था मेरे घर में, आज से 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो जब मैं ऑफिस से आती थी, ऑफिस में एसी रहता था, घर में मुझे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो खैर, जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे भगवान ने प्रमोशन देते गए हर चीज में। तो पहले पंखों में सोते थे, फिर कूलर आए। नहीं, कूलर तो शुरू से ही, मैं जब से पैदा हुई तो कूलर मैंने देखे हैं। और एसी का आगमन हुआ मेरी लाइफ में ऑफिस से ही। तो ऑफिस के बाद घर में तो मेरा यही जो मेरा इंडोर हाउस है वहीं मुझे एसी मिला। तो मेरी मम्मी के घर में तो एसी नहीं है, अब एसी लग गया उनके घर में मेरी शादी के बाद। पर पहले कूलर में ही सोते थे हम। और जब उससे भी पहले के दिन कहे तो हमारे जो किचन था वो अंदर ही था रूम के, मम्मी के घर की बात कर रही। तो जब गर्मी होती थी ना, अगर कोई चाय बनाता था या कुछ खाना बनाता था तो इतनी इरिटेशन हो जाती थी, चिप चिप गर्मी हो जाती थी। चलो भगवान की कृपा से तो अच्छा है, फिर भी आदमी ना सेटिस्फाई नहीं होता चीजों को लेके। जैसे मैं बहुत टेंशन लेने लगी हूँ अब। मैं वही प्राची से बोल रही थी कि बहुत साल पहले ऐसे दिन आए थे मेरे पास कि मुझे लगता था कि बहुत ही टफ डेज चल रहे हैं। तो सेम मैं अभी वही फील करती हूँ कि मेरे टफ डेज चल रहे हैं, पता नहीं कब चेंज आएगा। क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं काम कर रही हूँ और वो इतना अच्छा खासा चल नहीं रहा है। और घर बैठकर मेरे को कोई और ऑप्शन दिखानी इजी। बाबू देखियो कितना शोर मचा रहे हैं। इजी ऑप्शन नहीं दिखा जिससे कि मैं मतलब इंटरेस्ट के साथ कर पाऊँ। तो ये एक ऐसा है जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता है, तो काम हमें वही करने चाहिए जो इंटरेस्ट आए। तो मुझे इंटरेस्ट आता है पर मेरा अर्निंग नहीं हो रहा और मेरा कुछ नहीं हो पा रहा। तो मैं वही सोच रही थी कि क्या कहाँ पर जो है कमी चल रही है। खैर ये सब तो चलता रहेगा, मैं मिलूंगी आपसे कल के ब्लॉग में। और ये सोने वाले हैं नहीं, 11:30 होने वाले हैं। तो मेरे ब्लॉग के साथ साथ शॉर्ट्स भी है इस चैनल में। और प्लीज आप जो भी लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़े मेरे ना ब्लॉग शेयर कर दीजिए, और या हो सके तो मेरे शॉर्ट्स शेयर कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके। क्योंकि अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। और ब्लॉग और शॉर्ट्स देखते रहिए मेरे चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी मैं आपसे। बाय बाय।